आज है ना मैं बहुत लकी थी, आज मुझे पनीर मिल गया। तो मैंने सोचा आज है ना एक पनीर से बहुत सिंपल पनीर स्वीट कॉर्न पॉकेट बनाते हैं। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं कैसे बनते हैं पनीर पॉकेट। ये पनीर को है ना मैंने श्रेड कर दिया है, मतलब वो कद्दूकस कर देते हैं ना वैसा कर दिया है, क्योंकि मुझे ये स्टफिंग बनाना है ना, तो मुझे वो पीसेस नहीं चाहिए थे। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये स्वीट कॉर्न है जिसको बॉईल करके रखा हुआ है, वो जाएगा। ये वाले पॉकेट्स है ना हम बहुत कम इंग्रेडिएंट से बना रहे हैं, ये गए कुछ स्प्रिंग अनियन एंड फ्रेश चिली, आप चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हो, मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हो, जो भी आपके पास हो ना आप कुछ भी डाल सकते हो। तो ये गया और मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ, ये मेरे पास हंग कर्ड है वो मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच जितना। आप क्रीम डाल सकते हो, आप मेयोनीज डाल सकते हो, क्रीम चीज़ भी डाल सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। मैं थोड़ा सा हेल्दी वर्जन पसंद करती हूँ तो मैं वो डाल रही हूँ। और अब है ना इसके अंदर जो मैं फ्लेवर देने वाली हूँ वो है हरी चटनी की। मेरे पास बहुत सारी हरी चटनी मैंने बना के रखी थी तो मैंने सोचा आज यही डाल देते हैं। बट अगर आपको ये चटनी वाली फ्लेवर अच्छी नहीं लगती है ना, तो आप इसके अंदर चाइनीज़ फ्लेवर दे सकते हो, शेजवान चटनी की फ्लेवर, या तो फिर आप ओरेगानो एंड चिली फ्लेक्स ये सब डाल के एक पिज्ज़ा वाली फ्लेवर दे सकते हो, पिज्ज़ा सॉस 1 चम्मच डाल सकते हो। आप जैसे आपको पसंद हो ना आप वैसे बना सकते हो इसको, बहुत वर्सेटाइल रेसिपी है। और मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, वैसे चटनी में अच्छा खासा नमक है पर सब्जियों में नहीं है, तो मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक। ये देखिए कितना यम लग रहा है ना, ग्रीन ग्रीन। अब मैं इसके अंदर ना थोड़े से क्रश पेपर डालने वाली हूँ, ये क्रश पेपर। स्वीट कॉर्न एंड ब्लैक पेपर ना बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं आपको है ना एक और टिप देती हूँ, जब भी आप स्वीट कॉर्न बॉईल करो ना और ज़्यादा बॉईल करते हो जैसे कि आज मैंने किया था, तो ऐसे एक डब्बे में आप इसको स्टोर कर सकते हो विद द सेम वाटर जिसमें आपने बॉईल किया है ना, वही पानी देखिए इसके अंदर है। इसके साथ आप डब्बे में पैक करके फ्रिज में रखेंगे ना कम से कम 4 से 5 दिन तक एकदम फ्रेश रहेंगे। तो ये लीजिए ये तैयार है और अब हम इसके पॉकेट्स बनाते हैं। स्टफिंग तो रेडी है, अब मैं है ना ये ब्रेड ले रही हूँ, नॉर्मल सी अपनी स्लाइस ब्रेड है जिसके मैंने ये किनारे काट दिए हैं। और अब मैं है ना इसको ऐसे बेल लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़े से फ्लैट चाहिए ब्रेड, तो ये ऐसे बेल लेंगे। और ये जो स्टफिंग बनाया है ना मैंने वो लेके मैं यहाँ पे ऐसे रख दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं भरिएगा वरना पूरा बाहर आ जाएगा। एक्चुअली स्टफिंग में भी आप जो चाहो ना वो सब्जियाँ ले सकते हो, आपको गाजर अच्छा लगता है, कैप्सिकम अच्छा लगता है, कुछ भी आप इसमें डाल सकते हो। और आज मेरे घर में ना गाजर था ना कैप्सिकम था इसलिए मैंने सिर्फ स्वीट कॉर्न डाले हैं। तो ये गया और अब मैं हल्का सा पानी है ना ये किनारे पर लगा देती हूँ। चारों तरफ है ना हम पानी लगा देंगे और सिंपल बस फोल्ड कर देंगे। पानी लगाने से ना तुरंत ही ये चिपक जाएगा ये। हाँ एक्चुअली आपको अगर ये इतनी मेहनत नहीं करनी है ना तो आप 2 स्लाइस के बीच में भी ये स्टफिंग डाल के सिंपल सा सैंडविच बना सकते हो, पर ऐसा कुछ अलग शेप में करते हैं ना तो घर में सबको लगता है स्पेशली बच्चों को कि आज तो मम्मा ने कुछ नया बना लिया,
और फटाक से खा लेते हैं। तो ये है ना सारी मम्मा की चीटिंग ट्रिक्स है, मैं भी तो मम्मा हूँ। अब ये जो पॉकेट बना है ना, उसको हम ऐसे फोर्क दबा के वापस सील कर देंगे, ताकि हमारा स्टफिंग है ना कभी बाहर ना निकले। ये देखिए, ये ऐसे, और ऐसे ही मैं और भी बना लेती हूँ। पॉकेट्स तो सारे तैयार हो गए हैं, अब आता है मेघना का ट्विस्ट। इसको है ना आप चाहो तो डीप फ्राई कर सकते हो, बट मैं तो शैलो फ्राई करूंगी, क्योंकि मुझे डीप फ्राई थोड़ा सा कम पसंद है। ऐसा नहीं है कि मैं डीप फ्राई चीजें नहीं खाती हूँ, नहीं करती हूँ, बट मुझे थोड़ा कम पसंद है। तो अब करते हैं शैलो फ्राई। मैंने ये पैन लिया है और उसमें सिर्फ 2 चम्मच, मतलब 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, और अब इसके अंदर हम ये पॉकेट्स डाल देंगे। बहुत ज्यादा एक साथ में नहीं डालिएगा, वरना है ना पलटाने के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो ये है ना 3 से 4 मिनट लगते हैं एक तरफ पकने के लिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है ना, हम इसको पलटा के पका लेंगे। वाओ। Already looking yum. ये देखिए crispy भी है, can you see that? Pockets दोनों तरफ से shallow fry होके ready है। मैं निकाल देती हूँ। इसके ऊपर है ना बस थोड़ा सा धनिया रखते थे। आई थिंक ये है ना मेरा सिग्नेचर है कि जब तक कोई हरा पत्ता ना रखो ना डिश पे, तो मुझे वो कंप्लीट नहीं लगती है। तो लीजिए, तैयार है स्वीटकॉर्न पनीर पॉकेट्स। बस कुछ ही इंग्रेडिएंट से इतनी बढ़िया डिश बनी है ना। यम लग रहा है ना। बता रही हूँ, ये ट्राई नहीं किया ना तो कुछ नहीं किया। जल्दी से बना लीजिए और फिर ट्राई करिए। ये जो ब्रेड की साइड काट के रखी है ना, इसको मैं बिल्कुल नहीं फेंकने वाली हूँ। इसका मैं ब्रेड क्रम्स बना देती हूँ, नेक्स्ट रेसिपी में यूज करेंगे।